वेलकम बैक, यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। मौसम के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 48 घंटे पूरे देश के मौसम का हाल। आपको बता दें, 1 मई तक 13 राज्यों में जारी रहेगा बारिश का दौर। उत्तर मध्य के 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। देश भर के मौसम में एक बार फिर से बदलाव की स्थिति बनी रहेगी। 27 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया जाएगा। आईएमडी अलर्ट। आईएमडी ने 13 राज्यों में बूंदाबांदी और गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। वहीं मध्य और उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी रहेगा। दिल्ली में तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में लू का अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार की शाम दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिनों में दिल्ली की स्थिति में कोई सुधार की उम्मीद नहीं है। यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि 28 अप्रैल से 5 मई तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल नहीं रहेंगे, जिससे तेज धूप निकलेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में मौसम गर्म रहेगा। आईएमडी ने भी दिन में लू चलने की चेतावनी दी है और लोगों को सतर्क रहने को कहा है। 28 अप्रैल तक राष्ट्रीय राजधानी में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के अनुसार 28 अप्रैल से 3 मई तक पूरे पूर्वोत्तर भारत के गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगे कहा कि गुजरात में अगले 5 दिनों के लिए एक हीट वेव मौजूद रहेगी, जिसमें 3 मई को मध्य पूर्वी और भारत में, 26 अप्रैल को उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव शुरू होने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट वर्षा, गरज और बिजली गिरने की अत्यधिक संभावना है। आईएमडी की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के तहत जो 28 अप्रैल से भारतीय क्षेत्र में आने का अनुमान है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की हल्की वर्षा अत्यधिक संभव है। 26 से 28 अप्रैल को पंजाब के मैदानी इलाकों और हरियाणा में धूल भरी आंधी और आंधी चलेगी। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के लिए वर्षा की संभावना। आईएमडी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 26 अप्रैल से 2 मई तक और असम और मेघालय में 27 और 28 अप्रैल और 3 मई को महत्वपूर्ण बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 मई से कई दिनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी व्यापक बारिश की संभावना है। आईएमडी ने अगले 5 मई के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में व्यापक वर्षा की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अगले 3 मई तक असम और मेघालय के साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने, वहीं अगले 2 दिनों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बूंदाबांदी की संभावना है। अगले 30 अप्रैल में छत्तीसगढ़ में छिटपुट बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। दक्षिणी क्षेत्र के लिए वर्षा की भविष्यवाणी। 26 अप्रैल से 3 मई तक दक्षिण केरल में भारी बारिश की संभावना है। इसी बीच 5 मई के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना के साथ 27 और 28 अप्रैल को आंध्र प्रदेश में गरज के साथ छिटपुट वर्षा, बिजली और तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए यूएमबी न्यूज़।